31 अक्टूबर ये बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, कल ही रिलीज़ हुई है और मैंने फिल्म देखी है, बहुत अच्छी बनी है। एक इशू है जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता है, स्पेशली आज की यूथ को। तो हमने बस ये कोशिश की है कि ये सब दंगे करके, या फिर एक फैमिली थी जिन फैमिली को कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी उस टाइम पे 31 अक्टूबर को, तो हमने बस ये दिखाने की कोशिश की। और एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस फिल्म के पार्ट हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे। सो ये एक ऐसा इशू है जो सब्जेक्टिव है, रियल बेस्ड स्टोरी है, तो शायद इसीलिए सबको बहुत अच्छी लग रही है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं शिवाजी पाटिल, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है इसको, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। हैरी सचदेवा इसके प्रोड्यूसर हैं, तो फिल्म अच्छी बनी है, तो इसलिए सारी सबको अच्छी भी लग रही है। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे अपने आप से कंपटीशन है। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करना है, एक एक्टर बनना है, और किसी एक्टर से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मोस्टली नेक्स्ट मंथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीज़र हो या ट्रेलर आउट हो जाए, एंड इसी साल हम लोग उसको रिलीज़ करें और आप लोगों तक पहुँचाएँ। कहा एज एन एक्टर मैं हर तरह का कैरेक्टर करना चाहूँगी, मुझे बाजीराव मस्तानी बनना भी पसंद है, एंड मुझे जब वी मेट की करीना कपूर का कैरेक्टर भी पसंद है, तो मैं हर तरह का कैरेक्टर आई थिंक करना पसंद करूँगी। और रही बात डायरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर मेरे सारे फेवरेट हैं, जो संजय लीला भंसाली, करण जौहर से लेके हर कोई मेरा फेवरेट है। सो सबके साथ काम करना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच।